बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या तकलादू धोरण आणि विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी 27 ऑगस्ट रोजी एक दिवसीय बंद पुकारला असून या दिवशी राज्यातील सर्व व्यापार बंद राहणार आहे। याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे। 27 ऑगस्ट रोजी राज्यातील व्यापार बंद राहणार असून महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने हा एक दिवसीय बंद पुकारला आहे। या संदर्भात नवी मुंबईत एक बैठक देखील झाली। या बैठकीनंतर पदाधिकाऱ्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला। महाराष्ट्रातल्या व्यापार उद्योगाच्या समोर असलेल्या वेगवेगळ्या अडचणींच्या विरोधामध्ये गेले काही दिवस सातत्याने आम्ही सरकारकडे आम्ही दाद मागण्याचा प्रयत्न करतोय। 4 ऑगस्टला या संदर्भात एक झालेल्या राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये सरकारसमोर आम्ही आमचं मागण्यांचं चार्टर सादर केलं आणि 27 ऑगस्टला आम्ही एक दिवसाचा स्वैच्छिक बंद जाहीर केला आहे। एपीएमसीमध्ये होणाऱ्या दुहेरी करांची आकारणी असेल, जीएसटी मधल्या क्लिष्ट तरतुदी असेल किंवा अन्नधान्यावर जीएसटी लावण्याचा मागील दाराने होत असलेला प्रयत्न असेल आणि या सगळ्या प्रयत्नामुळे सामान्य ग्राहकावर या कराचा पडणारा बोजा असेल आणि या सगळ्या कराच्या बोजासाठी व्यापाऱ्याची होणारी पिळवणूक थांबावी यासाठी आम्ही हा एक दिवसाचा लढा उभारला आहे। 27 ऑगस्टला आम्ही एक दिवस पूर्ण राज्यातले सर्व व्यापार बंद राहतील आणि सरकारला आम्ही आमच्या मागण्यांचं जे निवेदन दिलेलं आहे त्यावर सरकारनं लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असं आम्हाला अपेक्षित आहे। या दुहेरी कराच्या आकारणीमुळे असेल आमचा व्यापार बाहेर जातो, छोट्या व्यापाऱ्यांच्यावर मल्टीनॅशनल कंपन्यांचं आक्रमण होतं, जीएसटीच्या तरतुदीमुळे व्यापार करणं हे अडचणीचं होऊन बसलेलं आहे, अशा अनेक विषय आहेत। शेतकऱ्यांच्या निगडीत असलेल्या बी बियाणे खतावर सुद्धा जीएसटी आकारला गेला आहे। असे अनेक प्रश्न सरकारच्या समोर आम्ही मांडलेले आहेत आणि सरकारने याच्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी आमची आग्रहाची विनंती आहे। 27 ऑगस्टच्या बंद नंतर 5 सप्टेंबरपर्यंत सरकारने जर या विषयावर योग्य तो निर्णय दिला नाही तर या आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा निर्णय आजच्या राज्यस्तरीय व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे। आज राज्यभरातून आलेल्या व्यापारी नेत्यांनी आमच्यावर दबाव ठेवलेला आहे की जर सरकारने आम्हाला अनुकूल निर्णय दिला नाही तर व्यापारी संघटनेने राजकीय भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे आणि राज्यातल्या अनेक मतदारसंघामध्ये जिथं व्यापाऱ्यांची शक्ती मोठी आहे तिथं आम्ही व्यापारी प्रतिनिधी निवडणुकीला उभा करून सरकार आमचं ऐकत नसेल तर सभागृहात आमचे प्रतिनिधी पाठवायची तयारी करायची असा निर्णय सुद्धा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे। सर्व प्रकारचे व्यापार बंद असणार आहेत, यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कुठेही बंद असणार नाहीये, दूध औषधं अशा प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तू कुठेही बंद असणार नाहीयेत, सामान्य जनतेला कोणताही त्रास होणार नाही अशा पद्धतीनं आम्ही आमच्या इच्छेनं आमचे व्यापार बंद ठेवणार आहोत। आमची ताकद आम्हाला सरकारला दाखवायची आहे आणि आमच्या अडचणीकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी आम्ही हा एक दिवसाचा बंद पुकारला आहे। मैं राजेंद्र बाठिया, महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृति समिति का समन्वयक नाते से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बार महाराष्ट्र की जो 5 शिखर संघटनाएं हैं, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र फैम, ग्रोमा मुंबई, कैमेट और पूना मर्चेंट चेंबर, ऐसी 5 संघटनाओं ने एकत्रित आकर ये कृति समिति का स्थापना की हुई है। 4 अगस्त की मीटिंग में यह तय हुआ कि 27 तारीख को एक दिवसीय लक्षणिक बंद करके सरकार के लक्ष्य को वेदना है, इसके लिए ये बंद पुकारा गया है। और आज की सभा में ये निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र के सारे व्यापारी, भले फिर वो अनाज के व्यापारी हो या किसी और चीज के व्यापारी हो, वो पूरा बंद रखेंगे। इसमें रिटेल व्यापारी भी शामिल है, इसमें ग्राहक खास करके शामिल हुआ है, क्योंकि हमारी जो मांग है वो है एपीएमसी हटाए। एपीएमसी हटाने की मांग इसलिए है क्योंकि सभी खाद्यान्न वस्तुओं के ऊपर और एपीएमसी में लगने वाले अनाज के ऊपर 5% जीएसटी लगाया है। एक कर की रचना के तहत अगर ये आता है और 2.5% हिस्सा अगर महाराष्ट्र सरकार को मिल रहा है तो ये एपीएमसी टैक्स क्यों? और एपीएमसी टैक्स लेने के बाद में उसका एपीएमसी में 50 से 60% जो हिस्सा है वो तनख्वाह में ही चला जाता है। एपीएमसी में न तो व्यापारियों का फायदा हो रहा है, न किसानों का हो रहा है, न और घटकों का हो रहा है। तो ये एपीएमसी टैक्स लगाकर क्यों ग्राहकों के ऊपर महंगाई लादी जा रही है? क्योंकि जो माल पर राज्यों से आ रहा है, पर राष्ट्र से आ रहा है या प्रोसेस किया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी किसान का कोई यानी संबंध नहीं आता है, उसके ऊपर भी जो सेस लगाया जा रहा है, तो हमारी मांग है कि ये सेस पूरी तरह से निकलनी चाहिए। साथ में हमने जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का विषय किया हुआ है, 50 किलो तक की वजन के ऊपर सरकार जीएसटी लाना चाहती है। तीसरा विषय जो जीएसटी है जिससे सारे लोग परेशान है, उसको इजी करना है, और भी अनेक विषय है। तो हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि वो जल्दी से ही हमें इस हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आगे आए और हमारी समस्याओं को सुने। आज की सभा में ये निर्णय हुआ है, अगर सरकार 5 सितंबर तक इस मामले में कोई समाधानकारक उत्तर नहीं देती है
या हमें चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं करके हमारी समस्या को नहीं सुलझाती है तो आने वाले समय में और भी तीव्र तरीके से इस आंदोलन को आगे लिया जाएगा और हो सकता है कि व्यापारियों के अनेक आने वाले इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में कई जगहों से व्यापारी भी खड़े होंगे और हमारी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो व्यापारी भी विधानसभा में भेजने का निर्णय आज की मीटिंग में हुआ है। 27 को जो बंद पुकारा गया है महाराष्ट्र राज्य कृति समिति द्वारा, ये पिछले 1-2 सालों से जिस तरह का वातावरण है पूरे देश में, जिस तरह से व्यापारी को प्रॉब्लम्स आ रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो करते हैं लेकिन एक्चुअली धरातल पे है नहीं, कई तरह की समस्याएं हैं। एपीएमसी सेस का एक मुद्दा है, बीएस का मुद्दा है, फसाई का मुद्दा है, जीएसटी के मुद्दे हैं, जीएसटी में इतने तरह के कॉम्प्लायंस है, इतने लोग परेशान हो गए, नंबर ऑफ रिटर्न्स का इशू है, जीएसटी के रूल्स जब आए थे तब बहुत लोगों को पता ही नहीं था, गवर्नमेंट का पोर्टल रेडी नहीं था, अभी 2017 का नोटिसेस अभी आ रहे हैं लोगों के पास, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो भी उसको टैक्स भरना पड़ रहा है। सरकार ने अभी इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ किया 17 से 22 तक का, अच्छा काम किया, लेकिन टैक्स भरना 18% कोई व्यापारी कमाता ही नहीं है, 18 बिजनेस किसी का भी 2% के ऊपर होता नहीं है, 2-3%, हम लोग होलसेलर हैं, होलसेल से रिटेल बेचते हैं, 2-3% का व्यापार है तो ये व्यापार 18% कहाँ से भरेगा। सरकार बोल रही है हमने इंटरेस्ट पेनल्टी माफ़ कर दिया, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअली धरातल पे लाइए। व्यापारी, महाराष्ट्र सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, सब व्यापार के खब है यहाँ पे और इस अब सब परेशान हो गए हैं, जब मुंबई का ही नहीं सुना जा रहा है, महाराष्ट्र का नहीं सुना जा रहा है, बाकी के पूरे भारत भर के व्यापारी तो परेशान हो गए हैं। नहीं, हमारी मांग है जो एक्चुअल कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, हमारे को साथ में लेके बिठाएं, अपने मिनिस्ट्री के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ में बैठे और हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम धरातल पे है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको एक एक चीजों को समझे और उसको सुलझाए। हमें कोई ना हमें कोई फ्री बीज चाहिए, ना हमें कोई पेंशन चाहिए, ना हमें कुछ ऐसी कुछ चीज चाहिए जो हम लोग देने वाले हैं। व्यापारी हमेशा कमाता है फिर वो कुछ ना कुछ अच्छे से पूरे समाज को देना चाहता है और देता ही है, इतने सालों से देता आया, तो हमें कोई फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, शांति से धंधा करने दीजिए, शांति से व्यापार करने दीजिए, हमारा नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस में आए इसके लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए। आज की तारीख में इतनी परेशानी है कि कोई भी व्यापारी नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिजनेस में आए, तो सरकार से यही निवेदन है जिस तरह से सरकार कहती है वो एक्चुअली करे और व्यापार को बचाए, महाराष्ट्र के व्यापार को बचाए, व्यापारियों को बचाए। विधानसभा चुनाव आने वाले और आप लोग ने जिस तरह से नारा लगाया कि अगर सरकार ने वोट दिया तो उसको लागू करो, क्या लगता है इसको, अब जो सरकार को इससे अगर व्यापारी जो आपकी मांगे पूरी नहीं तो इससे सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होगा विधानसभा चुनाव? देखो, व्यापारी कभी लात वात मारने में है ना उसमें नहीं बिलीव करता है, व्यापारी हमेशा अपने शांतिपूर्ण तरीके से टैक्टिकल काम करेगा, कुछ एकदम स्ट्रेटेजिकली काम करेगा। व्यापारियों ने पिछले 4 अगस्त को जब बंद पुकारा था, हमने 27 का रखा था, 27 बंद, 15-20 दिन का सरकार को टाइम दिया, हर मंत्री को मिलने की कोशिश की, डिप्टी सीएम, सीएम, हमने हर एमपी सबको मिलने के लिए सबको निवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। आश्वासन के मिलते हैं, करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो आज हमको मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ा है कि जो व्यापारियों की बात करेगा वही महाराष्ट्र पे राज करेगा, ये करना पड़ेगा, है ना। और यही सब व्यापारियों की यही भावना है कि भाई कितने दिन हम लोग हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे कि व्यापारी तो हमारे वोट है, कहाँ जाएंगे, असंगठित है। बहुत समय के बाद इस एलबीटी के टाइम में हमने सबने देखा था कि किस तरह से व्यापारी संगठित हो गया पूरे महाराष्ट्र में, और हमने उस समय एलबीटी हटी और उस समय की सरकार भी गई, और ये व्यापारियों की ताकत है। व्यापारी अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है इस बार कि हमें एकत्र होकर सरकार को, अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रांगली, जब ये इलेक्शन आएंगे, अगर हमारी बात 5 सितंबर जैसे कहा गया कि 5 सितंबर तक हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमें अगले इलेक्शन में हमारे तौर जगह जगह पे हमारे लोगों को खड़ा करेंगे और डेफिनेटली उसका एक बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट रहेगा उस पर, इलेक्शन के रिजल्ट पे। ये हमारी सबसे बड़ा आज जो डिसीजन हुआ है, और आंदोलन को हम और तीव्र कर सकते हैं, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया होगा कि और हम लोग कई चीजें सोच रहे हैं, व्यापारियों के अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी को, किसी जनमानस को तकलीफ देना नहीं चाहता व्यापारी, लेकिन हमारी मांगों को, जायज मांगों को माना जाए, उसको हमको सुना जाए और हमें शांतिपूर्ण तरीके से महाराष्ट्र में व्यापार करने दिया जाए, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, जो 750 एसोसिएशन की
एक एपेक्स बॉडी है जो पूरे पूरे महाराष्ट्र में हर तरह का व्यापार है, और मेरे पास अभी 600 से 650 लोगों के समर्थन आ चुके हैं। इसमें कपड़ा व्यापारी है, यान मर्चेंट है, स्टील वाले हैं, बर्तन वाले हैं, केमिकल वाले हैं, हर तरह का व्यापार, ट्रांसपोर्ट वाले, मुंबई गुड्स ट्रांसपोर्ट जो जरूरियात के सामानों को छोड़कर बाकी ट्रांसपोर्टर है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन के हमको समर्थन के पत्र आ चुके हैं जो हम आपको बाद में कॉपी दे देंगे। तो इस तरह का समर्थन पूरे, क्योंकि व्यापारी खाली पर्टिकुलर एपीएमसी और सेस का मुद्दा नहीं, पूरे महाराष्ट्र के व्यापारियों के डे टू डे बिजनेस करने का प्रॉब्लम्स है, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। इसलिए इस बार हमें बहुत जोरदार अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, सारे व्यापारी एक हो गए हैं, और हमें लगता है कि 27 तारीख को जो सांकेतिक हमने बंद पुकारा है वो एक सिर्फ झांकी है, अभी तो अगर बात नहीं मानी तो आगे पूरी पिक्चर बाकी है। कई बार देखा गया छोटे छोटे व्यापारी जो है बंद रखते, लेकिन मॉल शुरू रहते, तो इसमें मॉल वाले भी शामिल होंगे या? मॉल देखो, मॉल से वो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं, बड़े व्यापारी है होते हैं मॉल में होते हैं वो, हमारे जो हमारे हमारा जो लड़ाई है वो छोटे व्यापारियों की अस्तित्व की है, उन लोगों को बचाने की है, क्योंकि तो बड़े लोगों के तो बड़े सेटअप होते हैं, उनके पास फाइनेंस भी इजी मिल जाता है, मल्टीनेशनल का सपोर्ट रहता है, फाइनेंसिंग इजी हो जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत बार उनके हिसाब से बनती है, लेकिन जो छोटे व्यापारियों और जो हमारे यहाँ पे होलसेलर रिटेलर जो इस लेवल पे है उनका बचाने के लिए, उनको बचाने का ये पूरा ये हमारा ये पहल है, हम चाहते हैं कि उनको सपोर्ट करें। सरकार से आज भी निवेदन करते हैं फिर से एक बार कि सर व्यापारियों की सुने, व्यापारी आपके साथ रहने आते हैं, इतने सालों से रहते आए हैं, हम हमेशा रहेंगे आपके साथ, लेकिन जब हमारी कोई नहीं सुनेगा, हमारे खुद के ऊपर आ जाएगी, हमारे परिवार पे आ जाएगा, तो हम कैसे करेंगे? हम एक बदलाव नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो हमें बदलाव करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा। वेज नॉन वेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित, चवीला टेस्ट, हॉटेल रोहित चे जेवण बेस्ट, बर्थडे पार्टी कार्यक्रम, विविध पार्टीचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील, ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय। आमचा पत्ता हॉटेल रोहित, दादर रस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप सोलापूर,